ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी सत्येंद्रदास जानकी घाट के महंत जन्मेजय शरण समेत करीब 150 साधु संतों से मुलाकात की। अयोध्या में विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने के पहले सुलह समझौते से यहां मंदिर और मस्जिद दोनों बना लिया जाए। मौलाना कल्बे जव्वाद ने अयोध्या के जन्मेजाट घाट पर साधु संतों से कहा कि अदालत में तो लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन साथ बैठने से मोहब्बत बढ़ती है। अयोध्या में तो हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की बड़ी मिसाल रही है। यहाँ के मंदिरों में मुस्लिम आज भी पूजा के सम्मान की दुकान चलाते हैं। ऑल इंडिया श्याम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी पिछली मीटिंग में लखनवी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए देने की अपील कर चुका है। बोर्ड ने इराक से शिया मौलाना अयतुल्ला सिस्तानी का फतवा भी हासिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर झगड़े वाली जगह पर मस्जिद बनाने से हिंसा होने का अंदेशा हो तो वहां मस्जिद बनाना मुनासिब नहीं है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासुब अब्बा ने कहा कि उस जगह रामलला का एक मंदिर अभी भी मौजूद है, भले वो टेंट में क्यों ना चल रहा हो। देश के करोड़ों लोग वहां दर्शन करने आते। अगर मस्जिद के हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए तो भी वहां से मूर्तियां हटाकर उस जगह पर मस्जिद बनाई जा सकती है, जो कतई नहीं है। इससे बड़े दंगे अंदेशे हैं, ऐसे में उस जगह को मंदिर के लिए दे देना ही सबसे बेहतर हल है। SPNI न्यूज के लिए काशिफ की रिपोर्ट।